नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल मार्केट विद्यालय में स्वागत है। दिन है नया, बात है पुरानी, फ्यूचर ग्रुप की एक ही कहानी। हाँ दोस्तों, नया दिन होता है, कहानी वही पुराना होता है। जैसे कि आपको पता है कि पिछले कुछ समय से फ्यूचर ग्रुप के सारे स्टॉक में नीचे का ट्रेंड पकड़ा हुआ है। हम किसी भी स्टॉक की बात कर ले, उसमें एक ही ट्रेंड है नीचे। उसमें इस फ्यूचर ग्रुप का ऐसा एक भी शेयर नहीं है जो एक बार भी ऊपर का अप ट्रेंड पकड़ा हो। इस ग्रुप के सारे शेयर का एक ही ट्रेंड है नीचे की ओर। आज हम बात करेंगे फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन लिमिटेड के बारे में। जैसे कि आपको पता है ये नब्बे के नीचे अभी ट्रेड कर रहा है, तो आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा इसमें गिरावट आया है। अगर हम इसकी 52 वीक हाई लो से तुलना करें तो अपने 52 वीक हाई से यह स्टॉक लगभग 80% टूट चुका है। इस स्टॉक के बारे में मैं थोड़ा सा ये इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगा कि जब यह डील का अनाउंसमेंट हुआ था तो यह उस समय 170 के आसपास ट्रेड कर रहा था, 160 के आसपास ट्रेड कर रहा था। फिर वहाँ से 2 दिन ये भी अब गया, उसके बाद इसका भी सेम हाल हुआ जो पुराने स्टॉक के साथ हुआ है, मतलब जो फ्यूचर ग्रुप के अदर स्टॉक के साथ हुआ है वही हाल इसके साथ भी है। यह भी उसके बाद से लगातार नीचे का लोअर सर्किट का ट्रेंड पकड़ा हुआ है। तो अब यहाँ बात आता है कि करे तो करे क्या करे। तो यहाँ पे सबसे बुरा स्थिति है अभी रिटेल इन्वेस्टर का, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर तो हर लेवल पे एंट्री करे रहते हैं, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो। यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर बुरी तरह फंसे हुए हैं। रिटेल इन्वेस्टर तो निकल भी नहीं पा रहे क्योंकि यहाँ पे लोअर सर्किट लगातार लग रहा है। मेरे पास बहुत से क्वेरी आ रहे हैं कि इस स्टॉक का क्या होगा, तो मैं आपको बताने चाहूँगा दोस्तों कि इस स्टॉक में भी वही बात मैं बताऊँगा जो पिछले 2-3 वीडियो में बता रहा हूँ कि ये स्टॉक कब ऊपर जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि रिलायंस डील हो चुका है, इस डील के बाद इस प्रक्रिया को पूरा होने में 2 से 3 महीने का वक्त लगता है। यह वक्त इसलिए लगता है कि उनके जो नॉर्म्स हैं, जो कागजी कार्रवाई है, उसको पूरा करने में कुछ समय का वक्त लगता है। तो ये जब तक पूरा नहीं हो जाता इस स्टॉक में भी यही हाल रहेगा, इसमें भी गिरावट का दौर आपको मिलता ही रहेगा। अब ये बात आता है कि ये कब तक होगा, 2-3 महीने से ज़्यादा भी लग सकता है। हाँ दोस्तों, यहाँ 2-3 महीने से ज़्यादा भी लग सकता है क्योंकि पूरा 2 कंपनी के बीच का मैटर है, किसी एक कंपनी के ऊपर की बात नहीं है, ये 2 कंपनी के बीच का मामला है। तो उनको भी अपने अपने नॉर्म्स में बहुत से चीज डिक्लेयर करना पड़ता है कि क्या है, कैसा है, मैनेजमेंट कौन संभालेगा, किसको क्या रोल मिलेगा, अप मैनेजमेंट क्या करेगा, लोअर मैनेजमेंट क्या करेगा, उसको पूरे को कौन कंट्रोल करेगा, ये सारे नॉर्म्स के बहुत ही लंबा प्रक्रिया रहता है। इस प्रक्रिया होने में 2-3 महीना तो आराम से लग सकता है और इससे ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन अभी ऐसा अनुमान है कि अक्टूबर माह के लास्ट तक ये पूरा प्रक्रिया हो जाने का अनुमान है। अब बात करते हैं इस स्टॉक के बारे में कि कहाँ इसको सपोर्ट मिलेगा। दोस्तों, ऐसे स्टॉक में कोई सपोर्ट नहीं होता है। अगर एक बार नीचे का लोअर सर्किट का ट्रेंड पकड़ लेता है तो यहाँ पे कोई सपोर्ट कुछ काम नहीं करता। जैसे कि आपको पता है कि पहले हमको लग रहा था 120 का सपोर्ट होगा, फिर लग रहा था 180 का सॉरी 100 का सपोर्ट होगा, फिर लग रहा था 90 का होगा सपोर्ट, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ कोई सपोर्ट नहीं लग रहा है। ये एक ही दिशा में डायरेक्ट नीचे की ओर ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे में कोई टेक्निकल बातें काम नहीं करती है, कोई फंडामेंटल बातें काम नहीं करती है, ऐसे स्टॉक में कोई सपोर्ट काम नहीं करता है। बस ये नीचे का ट्रेंड है तो बस ये नीचे का ट्रेंड लगा रहेगा। हाँ, इसके विपरीत भी सेम चीज़ होता है, अगर ये अप ट्रेंड बना तो वहाँ भी कोई रेसिस्टेंट काम नहीं करेगा, कोई फंडामेंटल काम नहीं करेगा, वो अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड ही रहेगा। जैसे कि आपने आलोक इंडस्ट्रीज में भी देख लिया, सेम ट्रेंड उसमें भी था, उसमें भी एक बार जब अप ट्रेंड पकड़ा तो 3 रुपये का स्टॉक वो 60 रुपये तक गया। तो हमें भी ऐसे आशावादी रहना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आता है अप ट्रेंड का तो ये बहुत ही लंबा अप ट्रेंड जाए। मैं तो बोलता हूँ कि 52 वीक के तोड़ के उसके ऊपर जाए, क्योंकि यहाँ रिटेल इन्वेस्टरों का बहुत सा पैसा लगा हुआ है, उनके खून पसीने की कमाई का पैसा लगा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ हर स्टॉक को इस मार्केट से कुछ ना कुछ लेके ही जाए, कुछ ना कुछ पैसा बना के ही जाए। तो दोस्तों, हम जल्दी आशा करते हैं कि ये प्रक्रिया डील का पूरा कागजी कार्रवाई जल्दी हो जाए और स्टॉक फिर से अप में ट्रेंड करने लगे। दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा कमेंट्स करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।